तो भाइयों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो आज फिर से होने वाली है एक और मोटो ब्लॉगिंग, और आज एज यूजुअल पिछले वीडियो के जैसे आज फिर से है पूजा जी हमारे साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन पे, उस लोकेशन पे हम लोग पहले भी गए हुए हैं और वहाँ पे काफी बढ़िया वीडियो बनाया था हमने। तो जो वीडियो हमने बनाया था वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाना और देखना। काफी बढ़िया वीडियो था क्योंकि वो मैंने किसानों पर आधारित बनाया था। और आज हम जा रहे हैं वापस उन्हीं के खेत के अंदर और उन्होंने हमें इन्वाइट किया है वहाँ पे, तो हम देखने जा रहे हैं कि आखिर इस समय क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ खेत की। मैडम भी घर पे बोर हो रही थी तो इनको भी बोला कि चलो भाई चलते हैं, आपको भी थोड़ा सा गांव की सैर करा लाते हैं। और ये जो लोकेशन है हमारे घर से ऑलमोस्ट 40 से 50 किलोमीटर के बीच है। वहाँ पे हमारे जो रामकुमार जी हैं जिनको आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हम लोग अब निकले हैं यहाँ पे 2 बजे के अराउंड और हमें घंटा भर लगेगा वहाँ पहुँचने में। अभी हम आ गए यहाँ पे महिंद्रा वर्ल्ड सेज के अंदर। मतलब भाई साहब यहाँ पे रोड देखिए आप, 1, 2, 3, 4 फोर लेन इधर और फोर लेन उस साइड, दोनों साइड फोर फोर लेन है। तो यहाँ पे पूजा जी बोल रही है कि भाई साहब रोड शानदार है, यहाँ पे स्कूटी चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। भाई साहब अभी हम महिंद्रा से इसकी इतनी शानदार रोड से निकल के सीधे आ चुके हैं अभी गाँव की जो सिंगल रोड है उसके ऊपर। रोड भाई साहब थोड़ी ऐसी ही है, आहा। और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल बहुत ही बड़ा शानदार चारे का ट्रक। इस रास्ते को देख के मेरी थोड़ी सी यादें ताज़ा हो गई, जो मेरे हॉस्पिटल का रास्ता हुआ करता था जिससे मैं जाया करता था वो यही था। मतलब मैं डेली इसी रास्ते से जाया करता था और आने का जो रास्ता है वो मैं कभी कभी, मतलब तीन चार रास्ते हैं अलग अलग, तो मैं कभी इस रास्ते को लेता था कभी दूसरे रास्ते को, मतलब मैं रास्ते स्विच करता रहता था ताकि बोर ना हो। एक ही एक रोड पर रोज़ जाके हम बोर हो जाते हैं इसलिए। तो आज काफ़ी दिनों के बाद इस रोड पर चलाने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और होप्स आप सभी लोगों को भी बढ़िया लग रहा होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे थोड़ी सी हरियाली के सीन आते हैं मैं आपको दिखाता जाऊंगा, क्योंकि तो ये जो पूरा रास्ता है वो बिल्कुल खेतों के बीच में से होता हुआ जाता है। अभी हाल फिलहाल तो हम जस्ट रोड, मतलब हाईवे से जस्ट अंदर ही आए हैं इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा खेत नहीं दिख रहे हैं, अभी खुला मतलब सुना पड़ा हुआ है। जैसे कि ये जो पूरा खेत है यहाँ से पूरी फसल काट ली गई है, तो अभी आगे देखते हैं। हाल फिलहाल बता तो रहे हैं कि आगे शायद चने वगैरह कुछ उगे हुए हैं, तो हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि आखिर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आप लोग साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए रास्ते को। तो देखो हम थोड़ा बहुत गांव के अंदर जैसे आए हैं, अब यहाँ पे से थोड़े से खेत आना चालू हो गए। ये देखिए जैसे इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे अभी गेहूँ उगे हुए हैं हल्के हल्के से, वहाँ पे सोलर प्लांट लगे हुए हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। क्या अभी हम गांव में एंटर कर रहे हैं, यहाँ बहुत लंबे टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट आप ये मान लो 2 साल के बाद इस रास्ते से आ रहा हूँ। और सही बताऊँ तो मुझे रास्ता भी ठीक से पता नहीं है, जैसे जैसे रास्ता आया जा रहा है मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक ही उस साइड घूमे जा रही है। सही बता रहा हूँ, मेरे को रास्ता ही नहीं पता, मैं अपने आप घूम रही है बाइक। तो भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं हम अभी सुनसान वीराने में, और यहाँ पे देखिए जानवरों को चराया जा रहा है और दूर दूर तक हाल फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा। भाई साहब हमें जिस गांव में जाना है वो हम डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो खेतों के अंदर यहाँ पे छोले उगे हुए हैं छोटे छोटे, मतलब चने के पेड़ लगे हुए हैं, और हम लोगों को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया गया है यहाँ पे आने के लिए। 2 या 3 किलोमीटर और है वो गांव जहाँ पे हमें जाना है, तो हम उसके जस्ट आउटर में हैं अभी इस समय। तो भाई साहब अभी हम आए थे यहाँ पे रामू काका को उठाने के लिए यहाँ पे घर से,
और अब हम इनके साथ जाएंगे आगे की साइड। यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, चाय पानी पिया है। नाव अभी हम निकलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम जा रहे हैं थोड़ा सा गांव के अंदर की साइड, मतलब अभी हम जा रहे हैं इनके खेत पे। तो भाई साहब इसी बहाने क्या है, पूजा को भी थोड़ा सा खेत और गांव का माहौल देखना था, और हम लोगों का भी काफ़ी दिनों से प्लान चल रहा था कि भैया खेत में चल के थोड़ी बहुत फोटोग्राफी वगैरह करनी है, फोटोग्राफी करनी है। तो इस चक्कर में तो आज फिलहाल फाइनली हम लोगों का प्लान बन ही गया। तो आप लोगों को क्या करना है, फोटोज़ देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @samkumar पे जाना है। तो भाई साहब हम ये हम आ चुके हैं और भी ज़्यादा ऑफ रोड पे, गांव मतलब खेतों के बीच की, खेतों की पालों के ऊपर से। मैं पिछली बार जब यहाँ पे आया था तो जो मेरे पास एक्शन कैम था उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं था, तो इसलिए वो वीडियो कुछ इतना खास नहीं बन पाया था और ना ही इतना कोई मोटो ब्लॉग हो पाया था। लेकिन आज जो हमारे पास कैमरा है वो काफ़ी ठीक ठाक है और उसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है, तो हम यहाँ पर आज अच्छा खासा मोटो ब्लॉग यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। बहुत ही शानदार जगह से जा रहे हैं, अब हम बिल्कुल खेत के अंदर उतरने वाले हैं और यहाँ पे हम पड़ने वाले हैं, गिरने वाले हैं, उतरने वाले हैं। और ए, 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 ए भाई साहब तो एक्चुअली क्या है कि अगर ये वीडियो अगर थोड़ा सा लेंदी भी बन जाता है, मतलब बड़ा भी बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको दो पार्ट के अंदर अपलोड कर देंगे। लेकिन हाँ, मोटो ब्लॉग जब यहाँ पे हो ही रहा है तो भैया मोटो ब्लॉग तो दिखाना ज़रूरी है ही। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं हमारे जो पहला खेत है उसके अंदर, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे ये शायद वही लोकेशन है क्या, ये कौन सी वाली लोकेशन आ गई जब शुरू कमीन आया था। अच्छा हाँ, ये बड़ा खेत है। ओके तो यहाँ पे देखिए अभी क्या है, ये तारा मीरा यहाँ पे तारामीरा उगी हुई है भाई साहब। और इसी खेत के अंदर हम लोग जब पिछली बार आए थे तो यहाँ पे पूरा ट्रैक्टर चलाने वाले सीन थे, वो कर रहे थे। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए अब एक्शन गेम को तो करते हैं बंद और चालू करते हैं घूमना। तो अभी इस टाइम हम लोग हैं जो जिस खेत के अंदर जा रहे हैं वो तारामीरा के खेत के अंदर हैं, और यहाँ पे बीच बीच के अंदर भाई साहब जो बेर होते हैं ना उनकी झाड़ियाँ आ रही थी, तो उसके कारण झाड़ियों में हम फंस रहे थे। तो अभी हम इस जिस खेत में जा रहे हैं यहाँ का आपको छोटा सा एक ड्रोन शॉट दिखाते हैं, प्यारा सा है ना। तो आप ये ड्रोन शॉट देखिए,